A two-digit number. It is important for RIMC. This is a question of CDS, but it is important for RIMC, RMS, Scenic School, and all other competitive exam. Okay? In RIMC, you will not going to get four options. Okay? It's a subjective exam. Okay. So this is a question. A two-digit number is 9 more than 4 times of the number obtained by interchanging its digits. And then if the product of digits in the two-digit number is 8, then what is the number? Okay, so now what is given to you? Basically, a two-digit number. Okay, so what you can take, up is two-digit number ko, you can take x, y. Okay, लेकिन इसका लिखने का तरीका you should know. ठीक है, x, y, क्योंकि इसको separately कैसे लिखोगे? This is very important. ठीक है, इसको सेपरेटली लिखने का तरीका होता है x और y को, क्योंकि x y हम लोग मैथमेटिकल टर्म्स में हम समझते हैं x y इज नथिंग बट x into 2 ना. सपोज दो डिजिट्स को मैंने x y तो ले लिया, बट दिस टू डिजिट्स आर नॉट मल्टीप्लाइंग विद ईच अदर. लेकिन x y को हम लोग मैथमेटिकली x into y समझते हैं, तो इसको अलग अलग लिखने का तरीका होता है. y इसकी वंस डिजिट है और x इसकी टेंस डिजिट है, तो x into 10 plus y into 1, तो इसको आप 10x plus y लिख सकते हैं सॉल्व करने के लिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. चलो ठीक है, ओके. तो एक टू डिजिट नंबर है, अ टू डिजिट नंबर इज 9 मोर देन 4 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स. इसको कैसे मैथमेटिकली लिखेंगे? अच्छा, अब इसको मैथमेटिकली समझते हैं. अ टू डिजिट नंबर, जो वो टू डिजिट नंबर है वो एक्स वाई है, एंड एक्स वाई इज 9 मोर देन, 9 ज्यादा है, 9 मोर देन 4 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स. 9 मोर देन 4 टाइम्स द नंबर, जब आप डिजिट इंटरचेंज कर दोगे, एक्स वाई को वाई एक्स बना दोगे. सो दिस इज व्हाट गिवन मैथमेटिकली, लेकिन इसको इस तरीके से सॉल्व नहीं करते. एक्स वाई को अगर आपने ऐसा लिखा है, सो आप वाई एक्स को कैसे लिखेंगे? वाई एक्स को लिखोगे आप वाई इंटू 10 प्लस एक्स, सो इट विल गिव यू 10y प्लस एक्स. ठीक है, लेकिन मैथमेटिकली आपसे क्या कह रहा है? मैथमेटिकली आपसे ये कह रहा है दैट एक्स वाई जो आपने नंबर लिया टू डिजिट नंबर, दैट इज 9 मोर देन 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इन डिजिट्स. ठीक है, तो आपने एक्स वाई को वाई एक्स कर दिया. ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका कैसा होगा? इसको लिखने का तरीका होगा 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 प्लस, ओके, 4, 9 प्लस 4 टाइम्स इन ब्रैकेट y x को कैसे लिखोगे? 10y प्लस x. ठीक है, इसको मैं सब्जेक्टिव सॉल्व करना बता रहा हूं. जितने भी CDS के स्टूडेंट्स हैं वो तो यहीं से आंसर निकाल सकते हैं. ठीक है, अगर वो मैथमेटिकली इसको समझ जाए तो वो यहीं पर वैल्यू पुट करके इसको निकाल सकते हैं, यहीं पर वैल्यू. तो पहले मैं ऑब्जेक्टिव तरीके से सॉल्व करके बता रहा हूं. इक्वेशन तो हमने बना ली है, इक्वेशन वी हैव मेड, लेकिन इसको मैं एक बार ऑप्शंस के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं. अगर मैं पहला ऑप्शन रखूंगा यहां पर 81 इज इक्वल टू 9 प्लस 4 टाइम्स, रिवर्स करूंगा 81 का तो 18 विल कम. क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? हाँ, क्या ये 9 इंटू 18 फोर्जा इज हाउ मच? 8 फोर्जा 32, कैरी 3, 4 वन्स ऑफ 4, 72, एंड 72 प्लस दिस इज प्लस, ओके, ये प्लस है. सो 72 प्लस 9 इज नथिंग बट 81. सो दिस कंडीशन इज, इट इज सेटिस्फाइंग द कंडीशन. ओके, सो द आंसर इज 81. अच्छा, व्हाट इज द सेकंड कंडीशन? वी हैव टू चेक द सेकंड कंडीशन ऑल्सो ना. इफ द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स इन टू डिजिट्स नंबर इज 8, उसका प्रोडक्ट 8 आ रहा है. ठीक है, तो आप ऑप्शन से डायरेक्टली कर सकते हैं. ठीक है, और इसका प्रोडक्ट 8 आ रहा है, तो आप, ये बहुत आसान सवाल है. बेसिकली जितने भी ये जो ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन देते हैं. आपको सिर्फ उसकी लैंग्वेज समझनी होती है और यू हैव टू यूटिलाइज ऑप्शंस आल्सो. ठीक है, लेकिन फॉर RIMC विल नॉट गेट ऑप्शंस ना. लेकिन RIMC एग्जाम के लिए, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, फॉर सैनिक स्कूल ऑल्सो यू हैव टू डू दिस अप्रोच ओनली. यू डोंट हैव टू सॉल्व इट कम्प्लीटली. आप क्या करेंगे, बस आप इसको चेक कर लीजिए. ठीक है, आप उसको समझिए कि जो दो डिजिट नंबर है वो 9 ज्यादा है, वो 9 ज्यादा है किससे? 4 टाइम्स ऑफ द नंबर विच इज ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स. बट
ये चार ऑप्शन से वैल्यू रख के देख लीजिए आप। ओके चलो, सो ठीक है ठीक है, तो इसको हम लोग सब्जेक्टिवली कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देख लेते हैं। ओके तो ये तो हमारा आंसर वैसे ही आ गया, पहला ऑप्शन ही चेक करा एंड वी हैव गॉट अवर आंसर, बट हाउ टू सॉल्व इट सब्जेक्टिवली। ठीक है, सब्जेक्टिव इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, दिस विल कम 10x + y = 9 + 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी 40y + 4x। ओके सो अब x x एक तरफ ले लेते हैं, दिस विल बी 10x - 4x + y - 40y = 9। ठीक है, 9 अकेला बच गया। सो इक्वेशन कितनी आ गई आपकी, 6x। ठीक है, एंड दिस विल गिव यू -39y = 9। इट्स वेरी इजी। ओके सो दिस इज वन इक्वेशन। नाउ ये एक इक्वेशन आई आपकी, अब एक इक्वेशन से आप एक्स और वाई की वैल्यू तो फाइंड नहीं कर सकते, यू 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 एटलीस्ट नीड टू इक्वेशंस। तो दूसरे दूसरा क्या दिया आपको, दूसरा दिया इफ द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, इफ द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, इफ द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स। तो जो ये प्रोडक्ट है ना डिजिट्स डिजिट्स का, इफ द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स इन द टू डिजिट नंबर इज 8, तो आपको प्रोडक्ट क्या दिया है, 8 दिया है, तो आपको x into y इज गिवन टू यू, हाउ मच, 8। ठीक है, x इंटू वाई इज गिवन टू यू 8। ठीक है, अब आपके पास x इंटू वाई 8 है, आपके पास 6x - 39y = 9 है, नाउ यू कैन इजिली कैलकुलेट। ओके ओके सो आई एम लिविंग दिस कैलकुलेशन, सो आई एम लिविंग दिस कैलकुलेशन ठीक है, फॉर माई स्टूडेंट्स ओनली। आप चाहो तो इसको बहुत अच्छे से कर सकते हो। इफ द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स ठीक है इन द टू डिजिट नंबर इज 8, सो एक्स इंटू वाई 8 दिया है और आपको 6x - 39y, लेकिन ये चीज इंपॉर्टेंट है ठीक है, इसको हाउ यू हैव चेंज्ड बेसिकली। ठीक है, एक्स और वाई को आपने सेपरेटली कैसे लिखा, क्योंकि इक्वेशन में एक्स एंड वाई इज ट्रीटेड एज मल्टीप्लीकेशन ना, किसी भी इक्वेशन में एक्स और वाई कैसे ट्रीट करेंगे हम लोग, मल्टीप्लीकेशन की तरह ही ट्रीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आंसर 81 आया, तो 81 का मतलब 8 * 1 थोड़ा है, 81 इज 81 ओनली। ओके आपको ना थोड़ा सा लैंग्वेज समझनी है, ठीक है आपको लैंग्वेज समझनी है, आपको एक दो डिजिट का नंबर दिया है, आप उस दो टू डिजिट्स को कभी भी, इस चीज को ध्यान रखना ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस दिस वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट अगर आपको कोई भी दो डिजिट का नंबर दिया हो ठीक है, जैसे अगर आपको दिया हो 50 ठीक है, तो इस 50 को आप कैसे लिख सकते हो, अगर आपको ये दोनों अलग अलग तोड़ने, अगर इस डिजिट को और इस डिजिट को आपको अलग अलग सेपरेट करना है ठीक है, और सेपरेट क्यों करना है, क्योंकि दोनों के लिए कंडीशंस अलग अलग दी हैं, आप इसको लिख सकते हो, ये है वंस डिजिट, ये है टेंस डिजिट ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 0 * 1 डिजिट ठीक है, ओके 0 * 1 + 5 * 10 डिजिट ठीक है, तो 0 * 1 तो 0 होता है, लेकिन आपने 0 और 5 को सेपरेट कर दिया। अच्छा लेट मी गिव यू 124, 124 में अगर मुझे 1, 2 और 4 को सेपरेट करना है, तो ये तो वंस डिजिट हो गई, ये टेंस हो गई, ये 100 हो गई, तो 1 * 100 + 2 * 10 + 4 * 1, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो ना यहाँ पर 1, 2, 4 ये सेपरेट हो गया है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे अगेन यू विल गेट 124 ओनली। तो आगे मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, दो इक्वेशंस तो हमारे पास आई गई हैं ठीक है, एक इक्वेशन क्या आई है, 6x - 39y, 6x - 39y = 9 ठीक है, और दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन आई है मेरी, प्रोडक्ट दिया है x इंटू वाई, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इन द टू डिजिट इज 8 ठीक है, x इंटू वाई कितना दिया है मुझे, 8 दिया है। सो हाउ वी विल सॉल्व दिस नाउ, आप यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल दीजिए ठीक है, यहाँ से x कितना जाएगा, इट विल कम 8/y ठीक है, 8/y इट विल गोइंग टू कम। ओके तो बस अब आप पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन, सपोज दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2 ठीक है, तो अगर आप इसको रखोगे तो क्या हो जाएगा, 6 * 8
upon y minus 39y is equal to 9, it will going to come. ठीक है, उसके बाद दिस मच इज क्लियर, इसको इसको कैसे सॉल्व किया, उसके बाद दिस विल कम हाउ मच, अगर आप इफ यू टेक एलसीएम वाई विल बी द एलसीएम, ठीक है, सो दिस विल कम 48, ठीक है, माइनस 39 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ओके, और यहां से फ्रॉम हियर, ओके, सो फ्रॉम हियर आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, व्हाट विल गोइंग टू बी योर इक्वेशन, ये आ जाएगी 48 माइनस 39 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 वाई, ठीक है, तो ये जाएगी 39 वाई स्क्वायर प्लस 9 वाई इज इक्वल टू 48, दिस मच इज क्लियर। अच्छा, अब आप देखो कि 3 से ये इक्वेशन कैंसिल हो रही है, नहीं हो रही, ठीक है, अगर ये हो रही है तो उसको 3 से कैंसिल करो, 3 1 3 3 3 19, सो 13 वाई स्क्वायर, अपने इक्वेशन को आप जितनी सिंप्लीफाई करोगे उतना ही बेटर है, ठीक है, सो 13 वाई स्क्वायर प्लस 3 3 9, सो 3 वाई इज इक्वल टू 3 1 3 एंड 16 3 48, सो 13 वाई स्क्वायर प्लस 3 वाई इज इक्वल टू 16 आया, ओके, अब ये वाई की इक्वेशन आ गई, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नाउ यू हैव टू सॉल्व इट, ओके, अब आपको क्या करना है, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म्स, तो इसको इस तरीके से लिखते हैं, 13y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, दिस मच इज क्लियर, व्हाट आई हैव डन, सी हियर नाउ, आपको इक्वेशन में कंफ्यूजन लग रहा है, यहां के बाद मैं आपको यहां करके बता रहा हूं, सो व्हाट आई हैव डन, मैंने क्या किया, चलो मैं एक काम करता हूँ, 48 ऐसे लिखता हूँ माइनस 39 वाई स्क्वायर और माइनस 9y, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है, अब मैं इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, 39y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 48 इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ले जाना है बस, ठीक है, तो फिर 39y स्क्वायर प्लस 9y इज इक्वल टू 48, ठीक है, हाँ अब आ गया, चलो अब इसको सॉल्व करना या आप खुद सॉल्व करना, नहीं तो मैं आपको फिर नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, सॉल्व इट, सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको अच्छे से सॉल्व करो, और यहाँ पर यहाँ से y की वैल्यू आएगी, उस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रखना, इफ़ यू पुट इट हियर अगेन यू विल गेट योर आंसर, ठीक है, तो आपसे x और y आएगा, ठीक है, ओके, और ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, ट्राई टू सॉल्व इट अकॉर्डिंग टू options.